टिकट फाइनल होते ही शेखपुर में सपा ने बदले समीकरण। सपा ने किया एकतरफा माहौल तो बीजेपी हुई परेशान। सपा उम्मीदवार हिमांशु यादव ने बीजेपी की उड़ाई नींद। हिमांशु यादव की रणनीति बीजेपी का करेगी खेल खराब। बीजेपी की चाल से ही बीजेपी को सपा उम्मीदवार ने पछाड़ा। सपा उम्मीदवार की चाल से बीजेपी रेस में दिख रही पीछे। देखिए क्या है सपा उम्मीदवार का स्पेशल प्लान। देखिए कैसे बीजेपी के लिए परेशानी और बढ़ी। बदायूं जिले की शेखपुर विधानसभा इन दिनों सुर्खियों का सबब बनी हुई है। वैसे तो इस सीट पर सियासी समीकरण पहले से ही सुर्खियां हासिल कर रहे थे, लेकिन जब से पार्टी ने अपने उम्मीदवार के तौर पर हिमांशु यादव के नाम का ऐलान किया है, तब से जहां सपाई ताबड़तोड़ कैंपेन में लगे हैं, वहीं बीजेपी की बखिया भी उधेड़ रहे हैं। सपा की तरफ से नाम फाइनल होते ही उम्मीदवार हिमांशु यादव ने बीजेपी के सामने ऐसा पासा फेंका है कि जिसकी काट बीजेपी के मौजूदा विधायक धर्मेंद्र शाह के नहीं ढूंढ पा रहे हैं। गजब की बात यह है कि जो बीजेपी अब तक सपा पर नाकामी का आरोप लगाती थी, वही बीजेपी अब सपा उम्मीदवार हिमांशु यादव के सामने चीनी कम पानी लग रही है। अब तक जो बीजेपी सपा सरकार के विकास कार्यों को अपना बताकर आवाम को ठगने की कोशिश कर रही थी, उसी बीजेपी को सपा उम्मीदवार हिमांशु यादव की एक चाल ने रेस से करीब करीब बाहर कर दिया है, और ये दावा सपा समर्थकों और सपा नेताओं का है। ऊपर से स्थानीय आवाम भी बीजेपी के खिलाफ वोट की चोट करने का दावा करती है। शेखपुर सीट पर स्थितियां सपा नेताओं के मुताबिक एक तरफा दिख रही हैं। वहीं सपा उम्मीदवार हिमांशु यादव ने युवाओं का साथ लेकर जिस तरह से पुराने विकास कार्यों को आवाम के सामने रखा और भविष्य की रणनीति को जिस तरीके से आवाम को बताया, उससे बीजेपी की हकीकत खुलकर सामने आ गई। जो बीजेपी 2017 में प्रचंड जीत दर्ज कर शेखपुर में दंड पेल रही थी, उसी बीजेपी के नेता अब सपा के व्यापक अभियान के सामने घुटने टेकते से नजर आते हैं। स्थानीय आवाम की माने तो बीजेपी सरकार में आवारा पशुओं ने जिस तरह से फसलों को बर्बाद किया है, ठीक उसी अंदाज में हम वोट की चोट बीजेपी को देकर सपा को जीत का तोहफा देंगे। सपा उम्मीदवार हिमांशु यादव के साथ युवाओं का लगा हुजूम और उनके समर्थक साफ कहते हैं कि इस बार बदायूं जिले की सिर्फ शेखपुर ही नहीं, हर विधानसभा सीट पर सिर्फ और सिर्फ सपा ही जीतेगी। बीजेपी रेस से बाहर दिख रही है। हालांकि बीजेपी नेता भी प्रचार प्रसार में लगे हैं और जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन दावे किसके हकीकत बनेंगे ये आवाम तय करेगी और तस्वीर चुनावी नतीजों के साथ साफ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।